शुरू करते हैं। अच्छा गैस को द्रव में विलयता क्या होगा, गैस ले लें द्रव में डाल दें, गैस ले लें ऑक्सीजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, वह तो ऑक्सीजन गैस पानी में घुला होता है तभी तो मछली जीवित रहती है। तो जब गैस को द्रव में डालते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का द्रव में विलयता। हेनरी का नियम क्या होता है कि किसी भी जो गैस होता है, गैस का जो वाष्प दाब होता है, गैस का वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। याद करो, गैस का वाष्प दाब जो पीवा वो मोल अंश के समानुपाती होता है, एक्स के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वाष्प दाब पी से प्रदर्शित करते हैं ना दाब को, मोल अंश को एक्स से। अच्छा अगर आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह रहते हैं नियतांक आता है KH * X, पी बराबर KH * एच, के एच आपका हेनरी नियम। तो सिंपल सी बात है कि जो वाष्प दाब आपका रहा वह मोल अंश के का रहा, समानुपाती रहा। अच्छा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपको याद होगा कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो जब पहाड़ पर जाते हैं तो आपको याद होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे आदमी का दम घुटने लगता है, तो एक रोग होता है उसका नाम क्या होता है, एनाक्सिया। याद करना, एनाक्सिया कब होगा, जब आप पति देव के साथ हिमालय पर्वत पर जाएंगे शंकर जी के जल चढ़ाने के लिए, तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन उतना हाइट नहीं है तो वहाँ पर आपको चक्कर आने लगेगा, कहेंगे पतिदेव मुझे आप अपने गोदी में उठा के लेके चलिए। हाँ तो ठीक है, तो किसके, शंकर जी के मंदिर मुनि के साथ जाया भी जाता है, आज जान जाओ तुम, तुमको मालूम भी होगा। खैर आइए, ऊपर जब जाते हैं तो कौन सा रोग होता है, एनाक्सिया। तो किसके नियम के अनुसार, ढक्कन बंद करते हो किसमें, पेप्सी के बोतल में, तो उसका दाब बढ़ जाता है, जितने पातर चीज़ें का दाब उतना ही अधिक रखता है। मोटका लोहाई में ठोकबा तो ना ठोका, उसका दाब का बा, दाब उसका कम लग रहा है, बल अधिक लगेगा लेकिन दाब कम है, अगर कांटी बात तो दाब उस पर अधिक रखता, मारते खराक दे में। समुद्र के नीचे जाते हैं तभी आपका एक रोग होता है, कौन सा रोग, बेंट्स रोग, बेंट्स माना होता है बेंड होना नीचे के, ये सब आपका हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, गैसें तो उड़ जाए, मान लो कि पानी में गैस घोल तरह खूब ताप बढ़ा दो तो गैसों में आएगा का, पानी नहीं उड़ जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर गैसों का द्रव में विलयता क्या होता है, घटता है। अच्छा और अब किसका प्रभाव हम लोग देखेंगे, द्रव का प्रभाव देखेंगे ना, बकलोल खान लिखवाते हो, दाब का प्रभाव यहाँ पर आएगा, तूने लिखवाए हो, तूने लिखवाए, हम बोल देते हैं लोग जान लेगा, दाब का प्रभाव क्या होगा, दाब बढ़ाने पर गैसों का द्रव में विलयता क्या होता है, बढ़ता है, मर दे भाई, गैस भाव होता है तो उड़े की कोशिश करेगा, एक दबा दबे तो पानी में जाकर घुल जाएगा, तो दाब का प्रभाव क्या होता है, गैसों का द्रव में विलयता क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा वाष्प दाब क्या होता है, आप लोग घर में खाना बनाते हैं, बनाते होते पानी वानी अदान रखते हैं, पानी उसमें रखते हैं, गर्म करते देखना छिपाना उठता है, उड़ता है ना, तो जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करते हैं और द्रव जो दाब लगाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प दाब कहते हैं, ये बता दें। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है या किसी भी बिलियन का जो वाष्प दाब होता है वह मोल अंश के समानुपाती है, इसका भी नियम वही है, किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, सोनवादी के चिन्ह कहते थे कि नियतांक आता है, हाँ तो क्या आता है, पी नाट, पी नाट को क्या कहते हैं, शुद्ध जल का वाष्प दाब। हेनरी के नियम में आर आउट, ये हेनरी के नियम यहाँ पर कह रहा है, देखो इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, इसको 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 पढ़ लिए, अब आठवां पढ़ रहा है कि हेनरी के नियम और आउट के नियम में विशेष स्थिति, हेनरी के नियम और आउट के नियम में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें नियतांक के अंतर, हेनरी में किया अच्छा जाता है नियतांक, राउल्ट के नियम में क्या आता है, पी नाट आ जाता है, बस इतना ही अंतर इसमें है। हो गया डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, किसी भी बिलियन में उपस्थित कुल गैसों का दाब अलग अलग गैसों के दाब के क्या आता है, बराबर, मान लो कि इसमें गैस डाले, हाइड्रोजन डाले, ऑक्सीजन डाले, नाइट्रोजन डाले, डाल रहे हैं ना, तो इसका जो कुल दाब होगा, कुल दाब होगा वो हाइड्रोजन के वाष्प दाब, ऑक्सीजन के वाष्प दाब और नाइट्रोजन के वाष्प दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है, यही आपका होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। कोई दिक्कत, आप इसको नोट कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए चले हम लोग पढ़े, अब पहला आदर्श विलयन, धीरे धीरे पढ़ते रहो, वह विलयन जो प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन,
जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे कौन सा बिलियन कहेंगे? जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श बिलियन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श बिलियन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, तो बताया गया था कि जो बिलियन होता है उसका वाष्प दाब जब अधिक हो और राउल्ट के नियम से निकाला गया जो दाब है वो कम हो तो धनात्मक होगा, और राउल्ट के नियम से निकाला गया दाब अधिक हो और बिलियन का कम हो तो उसे ऋणात्मक विचलन हम लोग कहते हैं। अब भापाषण विधि का है कि जब दो द्रव मिले हो, जैसे पानी मिला है शराब मिला है, अच्छा दोनों द्रवों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं तो उसको भापाषण विधि कहते हैं। अलग जैसे मान लो कि आप शराब मिला है उसका 80 डिग्री क्वथनांक है और जो जल है उसका 100 डिग्री है, जब दोनों को मिला कर गर्म करेंगे तो जिसका 80 होगा वो पहले वाष्प बन के उड़ जाएगा। कौन उड़ेगा पहले? शराब उड़ेगा ना, तो उसी को भापाषण विधि कर। इस त्रिकोणाति क्या होता है सुनो, जब दो या दो से अधिक द्रव को एक निश्चित मात्रा में मिला देते हैं और उसको गर्म करते हैं तो सभी एक साथ वाष्प बन के उड़ते हैं, तो उसी को कहते हैं एक ही क्वथनांक पर एक ही ताप पर। जैसे अभी आप कह रहे थे कि आप शराब लिए पानी लिए एक ही में मिला है गर्म के शराब पहले वाष्प बन के उड़ जाए क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है 80 होता है, जल नहीं उड़े क्योंकि उसका 100 होता है। लेकिन अगर एक ऐसा विशेष मात्रा लेकर के बनाएं कि दोनों को एक साथ उड़ जाए या दोनों न उड़े उस ताप पर, तो उसको कहते हैं स्थिर क्वाथि, न्यूनतम स्थिर क्वाथि। जो आप पदार्थ मिलाए हैं उनका क्वथनांक अधिक हो और जिस क्वथनांक पर दोनों उड़ गए, दोनों जिस क्वथनांक पर कहा गए दोनों, जैसे न्यूनतम का मतलब होता है कि जो जिस इस्तेमाल कि आपने एक सपोर्ट है आपने एक एक द्रव लिया जिसका 80 है, एक आप दूसरा द्रव लिया जिसका 90 है, दोनों को मिला करके जब एक साथ मिला कर गर्म करते हैं तो 70 पर दोनों एक साथ उड़ जाते हैं, तो इसको कहेंगे न्यूनतम स्थिर क्वाथि, क्योंकि दोनों के क्वथनांक से इसका क्वथनांक कम है तो कम रहेगा तभी तो न्यूनतम कहेंगे ना उसको। अधिकतम स्थिर क्वाथि क्या होता है कि जब आपने दो लिया, मान लो कि ए वाला का क्वथनांक 80 है और बी वाला का क्वथनांक कितना है 90 है, और दोनों का आपने क्या किया मिलाया और दोनों एक साथ जो मिलाए इसके क्वथनांक से अधिक क्वथनांक, मान लो 100 डिग्री पर दोनों एक साथ उड़ते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे अधिकतम स्थिर क्वाथि। और उस संख्या गुणधर्म क्या होता है कि जब कोई भी, याद करो, जब कोई भी बिलियन केवल विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कोई भी विलयन हो उसमें जो विलेय हैं केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखो दो को चीज़ होता है, एक विलायक होता है आ एक होता है बिलियन, तो विलायक में खाली जल होता है और बिलियन में तो मान ली कि नमक होगा जल होगा। तो सुनो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, आ किसका कमी? वाष्प दाब का। कहेंगे कि जब बिलियन का वाष्प दाब क्या हो, जब बिलियन का वाष्प दाब कम हो और विलायक का वाष्प दाब अधिक हो, जैसे इसको अधिक करना इसको कम, कि विलायक का वाष्प दाब अधिक हो और बिलियन का वाष्प दाब कम हो, तो इससे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन करता है। क्वथनांक का उन्नयन, तो जब बिलियन का क्वथनांक अधिक हो, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, जब बिलियन का क्वथनांक अधिक हो और विलायक का क्वथनांक क्या हो कम हो, तो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जब बिलियन का क्वथनांक अधिक हो और विलायक का क्वथनांक कम हो तो इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। उसके बाद होता है हिमांक का अवनमन, किसका? हिमांक का अवनमन। जब पूछा जाएगा हिमांक के अवनमन में तो क्या कहेंगे कि जब बिलियन का हिमांक अधिक हो, अवनमन है कम हो, जब बिलियन का हिमांक का हो कम हो और विलायक का क्या हो अधिक हो, तो उसे हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन। अब पराशरण आपसे पूछा तो क्या कहेंगे कि पराशरण में क्या होता है कि कम सांद्रता वाले क्षेत्र से जब विलय के कारण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, तो इस क्रिया को पराशरण कहते हैं। कम सांद्रता वाले माने है खाली पानी बातें में कम हो ही ना कि सांद्रता हो, इनमें पानी और क्या है चीनी है, तो कम सांद्रता से जब विलय के कारण अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इसको पराशरण कहते हैं। और पराशरण की क्रिया के लिए अर्धपरगम झिल्ली का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम पराशरण क्या होता है कि जब पराशरण की क्रिया कहाँ होती है, जैसे यहाँ पर दाब लगाएंगे, प्राशन दाब लगाएंगे ना, तो दाब को जब बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो प्राशन की क्रिया उल्टा होने लगती है,
अब ये अधिक सुंदरता से कम सुंदरता की गति करने लगता है तो इसको प्रतिलोम परासन कहते हैं। इसी को हम लोग विसरण भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण भी कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रतिलोम परासन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक होता है संपरासारी विलयन। संपरासारी विलयन का मतलब क्या होगा कि दो विलयन है और दोनों के समान ताप पर परासन दाब समान है। इसका भी दस आता है पास्कल, इसका भी दस आता है, इसी को हम लोग कहते हैं संपरासारी विलयन। समान ताप पर दोनों का परासन दाब का हो समान हो तो इसको कहते हैं संपरासारी विलयन। और समान ताप पर जिस विलयन का परासन दाब अधिक होगा उसको अति परासारी विलयन कहते हैं, और जिसका कम होता है उसको अल्प परासारी। मान लीजिए 50 आ गया और इसका 40 आ गया तो जिसका कम आएगा उसको अल्प कहेंगे, जिसका अधिक आएगा उसको क्या कहेंगे, अति परासारी विलयन कहते हैं हम। अच्छा अभी आप कह रहे थे सर एक असामान्य मोलर द्रव्यमान भी है आपके पास, असामान्य तो कहेंगे कि जो माने कोई विलयन है उसका जब हम लोग, या कोई पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान हमको ज्ञात है लेकिन जब उसको हम लोग जल में डालते हैं तो वो टूटता है या जुड़ता है तो उसका मोलर द्रव्यमान अलग आ जाता है। जैसे अगर NaCl लें तो NaCl का मोलर द्रव्यमान आपको याद होगा Na के 23 और Cl का 35.5 58.5 होता है, लेकिन जब किसी में डालते हैं तो अब वो जब टूटेगा तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अलग आ जाता है, तो इसी को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब एक और आप कह रहे थे सर कहते वांट हाफ गुणांक, तो प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अनुपात को, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। और इस तरीके से पाठ आपका क्या हो गया समाप्त। सीखे कुछ आए?